जैसे ही हम लोग घर पहुंचे, हमारी काका ने आवाज ला दी, चलो चलो हम आपको हमारे पहाड़ी दिखाते हैं, खेत दिखाते हैं, खेत दिखाते हैं। डर लग रहा है भाई, डर लग रहा है। हेलो गाइस, ये देखो हमारी चमे घाट पे फिर से बाहर जा रही है। कैसा फीलिंग आ रहा है आपको? बहुत डर लग रहा है मुझे, बहुत ज्यादा। यू को गया हूँ फिर से अच्छा मैं। फिर से गया हूँ। लायूंगी अच्छा मैं। लायूंगी अन्य। ओ यू को अलग से भी अच्छा मैं। यो हो हुई चमे हो आ हुई नहीं चमे लेकिन हम बना गाइस, सबसे पहले तो आप लोगों को मेरा प्यार भरा नमस्कार है। मैं हूँ सरला नेपाल ब्लॉग संख्या और आज मैं आई हूँ अपने सासू माँ के मायके। खैर अभी पहुँची नहीं हूँ, मैं रास्ते में ही हूँ। और यह गांव एक बहुत दुर्गम इलाके में पड़ता है। देखिए मेरे पीछे सारे गाँव वासी। देखिए आप लोग पता नहीं गई नहीं फेमस बनाता और हम लोग निकल गए हैं अब गांव के लिए। मेरे पीछे से मेरी ननद आ रही है, देखो बहुत शर्माती है। इतना शर्माना सही नहीं होता भाई। अच्छा बोलो ना कुछ। क्या बोलूं छमे, इतना चल नहीं पा रही हूँ। बहुत थका लग गई ना, ज्यादा थका लग रही है। हाँ ना, अभी तो बहुत दूर जाना है हम दोनों को। चलो ना चलो जाते हैं, पहुंच से पहुंच बहुत लेट हो जाएंगे, है ना। हाँ ना, ये मैं बताती हूँ, ये रास्ता बहुत डेंजरस है। बहुत डेंजरस है ना? मुझे तो इससे भी डेंजरस पुल लगा बहुत ज्यादा। अच्छा ये देखो हमारा हुलिया कैसे चल रहे हैं हम लोग। तो क्या हुआ, हुलिया से क्या लेना देना है ना गाइस। चलो आप लोगों को मैं रास्ता दिखाती हूँ, अभी गाँव जाने का रास्ता कैसा है। हेलो आउनुहोस् आउनुहोस्, आ रही हूँ। बाउजू चाहिँ मेरो घरमा जाँदै हुनुहुन्छ। मेरो बाउजूलाई धेरै धेरै माया दिनुहोस्, सब्सक्राइब गरिदिनुहोस्, 1000 भन्दा बढी सब्सक्राइब पुर्याइदिनुहोस्। धेरै धेरै माया दिनुहोस्, धेरै धेरै मेहनत गरेर छ भनिदिनुहोस् न। धेरै धेरै मेहनत गरेर यहाँसम्म पुग्नु भएको छ, उहाँलाई चाहिँ यहाँसम्म चाहिँ उहाँलाई धेरै भन्दा धेरै अगाडि पुर्याइदिनुहोस्। यही मेरो आवेदन छ, म यही चाहन्छु कि मेरो समयलाई धेरै अगाडि बढोस्। यस्तो बाटोमा हिँडेर आउनु भएको छ, आधे रास्तामा पहुँचे है कि बहुत थका लग गई गाइस। देखिए अभी तो हमें कितने घंटे जाना ऊपर, 4-5 घंटा लगेगा। 4-5 घंटे आना, गाँव पहुँचते शाम को पहुँचेंगे शायद। फिर भी कोई बात नहीं, हंसते हंसते कट जाए रास्ते, है ना। हाँ ना, जिंदगी यूं ही चलती रहे। वही तो चलेगा चलेगा, चिंता ही मत करो, जिंदगी चलते रहने का नाम है ना। हाँ। जो व्यू मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ, यही से होकर हमें आगे जाना है। देखिए आप लोग सामने से बहुत चढ़ाई है, गांव पहुँचते पहुँचते हमें बहुत चढ़ाई का सामना करना पड़ेगा। मेरी नजर पहुंच गई बहुत आगे।
मैं रहेगी पीछे। देखिए रास्ता, अब मुझे ऊपर की तरफ जाना होगा। देखिए रास्ता आप लोग, चढ़ाई में जितनी थकाई लगती है, चलने में अच्छा भी लगता है। कांटे चुभ रहे हैं, बाप रे। थक गई? थका नहीं लगा? बहुत ज्यादा थका लगी मुझे। तू क्या कर रही है, मोबाइल पे बिजी? आगे चलना है अब, यही बैठना है? यही चलना है ना, यही चलना है। यही चलना है के गर्नु, बोलना नहीं आउँदै ना। फिर भी अच्छा लगता है, मलाई पनि कहाँ आउँछ र नेपाली, तर पनि म बोलिदिन्छु है। हो त नि है, हजुर जस्तै ट्यालेन्ट हामी छैन नि त, होइन ट्यालेन्ट वाला कुरा होइन यार, भाषा त त्यो हो, अगलाले बुझ्नु पर्छ जस्तै पहिले बोल्नु है। होइन हो, हिटौँ त अब, आगे कि ओर चलते हैं अब। रे बाप रे, पावल दिन चौ नब दिन चौ है, हमें गांव जाने का प्रॉपर रास्ता दिखाई नहीं दे रहा है, क्यों? रास्ते पता नहीं है, इस रास्ते से पहली बार आ रही है ना। अच्छा, तभी हमें रास्ता प्रॉपर दिखाई नहीं दे रहा है, चल भी नहीं पा रही हूँ। देखो कोई मेरा भारी बुक दे, बुकने के लिए आओ। और मेरा भारी कौन बोक देगा फिर, छमे का? छमे तो खुद ही बोक लेगी ना, बोक लेगी छमे। हाँ छमे तो अच्छा, थोड़ा एनर्जी वाला ही, एनर्जी छमे है ना, मैं तो एनर्जी वाली है छमे। क्यों? ये देखो मैं तो चल भी नहीं पा रही हूँ, बुढ़ी की तरह हो गई। छमे के पास भी एनर्जी तो नहीं है, लेकिन क्या कह रहे हैं, एनर्जी लाना पड़ता है, है ना। जब तक एनर्जी नहीं लाएंगे तो अपने मंजिल की तरफ कैसे पहुंचेंगे? ये रास्ता ही नहीं दिख रहा है क्या? ये रास्ता, हाँ ये रास्ता तो नहीं है शायद, रास्ता नहीं दिख रहा कैसे? हम तो कहाँ जंगल में पहुंच गए, पूरे रास्ते झाड़ियाँ झाड़ी लग रहे हैं यार, रास्ता पूरा झाड़ी, देखो झाड़ी झाड़ी झाड़ियाँ झाड़ियाँ, पता नहीं कहाँ पहुंचा दिया मुझे। देखो खुद कैसे जा रही है, मुझे छोड़ के कैसे जा रही है खुद। हाँ रास्ते क्या है, आओ आओ। पहाड़ों को तो ऐसी है, किसी का इंतजार करेंगे तो फिर रह ही जाएंगे, जैसे जैसे रास्ता दिखता है वैसे चलना चाहिए, है ना। हे बाप रे, हाँ सही रास्ते में आ गए। अच्छा मुझे लगता है गाइस ये सही रास्ता है, देखिए अब बैठ गई, देखो चल नहीं पा रही है। हो माय गॉड, चल तो नहीं पा रहे, फिर भी चलना तो पड़ेगा क्योंकि घर टाइम से पहुंचने हम लोगों को, है ना। बाप रे, मुझे वेरी वेरी, आई एम वेरी वेरी टाइट। यू फील वेरी टाइट? यस। ओह माय गॉड, ऑल्सो आई यार, और हमें भूख भी लग गई तो केले निकाल दिए, है ना। देखो देखो रास्ते में हमने से नाश्ता तो किया था, चाउमीन खाया था ना, अब खाने के रूप में केला ही खा लेते हैं। हाँ बोलो हजुर, हजुरलाई मेरो घाउ कस्तो लाग्यो? धेरै राम्रो लाग्यो मलाई तपाईँको घाउ। अहिले त पुगे छैन हामीहरू है, घाटोमै छौँ, केही छैन, पुगिहाल्छ एकछिनमा, पुगिहाल्छ अनि त आई
हिँड्न नि सकिँदैन, यसरी यो ग्लुकोज राखेर हिँड्नु पर्छ। यो ग्लुकोज खाँदै एनर्जीको लागि है, हो त नि एनर्जी आउँछ नि यसले, आउँछ धेरै आउँछ कि चलना पड़ता है, क्या करूं। मैं रास्ते में थकाई तो बहुत लग रही है, बट मजाक करते करते हंसते बोलते अच्छा ही बहुत लग रहा है ना। हाँ पहुंच गए ना? ना? पापा हमें कितना प्यार करते हैं, देखो ऊपर कहाँ ऊपर बैठे हैं, गांव ये है ना, ना? बहुत हवा चल रही है, ठंडा ठंडा सा, जाड़ों में तो यहाँ पे बहुत सारी बर्फ पड़ती हैं, है ना गाइस। अभी हम लोग पहुँचने वाले, अब आधे घंटे का रास्ता रह गया है, अब तो पहुँचने वाले हैं ना। कितना बचा अब? आधा घंटा। आधा घंटा, चलो अब हम लोगों ने आधा रास्ता तय कर लिया है, पहुँचने वाले गांव। देखिए आप लोग, वो रहा गांव। फाइनली हम लोग पहुंच गए हैं गांव, और इस गांव का क्या नाम है मैं आप लोगों को बाद में बताऊंगी। गांव आने के बाद तो अलग ही अच्छा लगता है, गांव घर का माहौल कुछ अलग ही होता है। ए डॉगी आजा आजा, अरे बाबा आजा आजा आजा, कितना अच्छा लग रहा है ना गांव पहुंच के। आजा आजा, देखो मुझे तो पहचानती भी नहीं, फिर भी कुकू गांव तो था। पहुंच गई मैं घर। लला प्रणाम, बुदे तबीयत ठीक है? ये हमारी लला है, मेरे सासू माँ की मम्मी। इतना अच्छा लग रहा मुझे यहाँ के गांव घरों का माहौल ही कुछ अलग होता है यार। जैसे ही हम लोग घर पहुंचे, हमारी काका ने आग जला दी। देखिए अंगीठी में आग जला रखी है, क्योंकि यहाँ बहुत ठंडा होता है। देखिए किचन है। अब हम लोग खेत पे जा रहे हैं हरी सब्जी तोड़ने के लिए। अब हम दोनों कहाँ जा रहे हैं, अभी कहाँ जा रहे हैं? सब्जी टिपनी। सब्जी टिपनी ना, हरी सब्जी। हाँ चलो खेत पे चलते हैं, है ना। चलो चलो हम आपको हमारे पहाड़ी दिखाते हैं, खेत दिखाते हैं, खेत दिखाते हैं, और इसमें हरी हरी सब्जी खाते हैं हम लोग। गाँव को ताजी ताजी सब्जी है ना। हमारी छमे तो मीट खाती नहीं रही, आज हमारी घर में मीट बन रहा था, छमे नीनी खा रही है, तभी छमे के लिए हरी सब्जी तोड़ने जा रहे हैं ना, है ना। मुझे तो हरी सब्जी अच्छी लगती है, तभी तो टिपनी के लिए जा रहे हैं हम लोग। टिपनी के लिए जा रहे हैं ना, कितना दूर है यहाँ से? पहुंच गए हम लोग खेत में। ठंडा वजह से आती तो उस लिखनी यानी यो। अभी हम लोग खेत पे हैं, हरी सब्जी तोड़ रहे हैं शाम के लिए। यहाँ ठंडा इतना है कि हरी सब्जी अभी जल जाती है ना, उसकी वजह से ना, ऐसा जली हुई तो उसकी वजह से। ये है मेरे सासू माँ का मायका, और ये है उनकी भतीजी, और ये मेरे सासू माँ की बहुरानी, और ये मेरे काका है,
मेरी सासू माँ की छोटी भैया। आज मैं यहाँ पहुँची हूँ इनके गांव, और देखिए चाची खाना बना रही हैं। मुझे मक्के की रोटी बहुत पसंद है, इसलिए मैंने घर में बोला कि मुझे मक्के की रोटी खानी है, तो आज घर में मक्के की रोटी बन रहा है, वो भी लकड़ी के चूल्हे में। कुछ ज्यादा टेस्टी होगा आज तो खाना, है ना? होगा होगा ना। और आज तो यहाँ बारिश भी आ गई ना, है ना, बाहर बारिश आ रही है, बहुत ठंडा लग रहा गाइस। मुझे लगता है कल बर्फ पड़ेगी तो बड़ा मजा आएगा। और इस गांव का नाम है दुमलिन, यहाँ बहुत ठंड होती है। हमने खाना वाना खा लिया, अब हम लोग का सोने का टाइम होने जा रहा है। मिलते हैं अपने न्यू ब्लॉग के साथ। गुड नाइट एवरीवन एंड टेक केयर, बाय बाय।